दोस्तों, अगर आपको द क्राइम शो की कहानियां अच्छी लग रही हैं, तो हमारा ये चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। ऐसे बहुत सारे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो हमारी कहानियां देखते तो हैं, लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी उन 85% लोगों में से एक हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ। और हाँ, लेटेस्ट थ्रिलिंग क्राइम स्टोरीज की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। रिपब्लिक डे अटैक। जैसे ही रिपब्लिक डे पास आता है, तो पूरे दिल्ली एनसीआर में जगह जगह सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी जाती है। इसका एक बड़ा रीजन ये है कि रिपब्लिक डे पर हमारे देश के सबसे बड़े मिनिस्टर्स और लीडर्स सब एक जगह एक बहुत बड़ी पब्लिक गैदरिंग में होते हैं। ऐसे में कोई भी अटैक देश के लिए बहुत डेडली हो सकता है। एक ऐसा ही अटैक प्लान कर रहे थे नौशाद और जग्गा, जहां उन दोनों को इंडिया के सबसे बड़े हिंदू लीडर को मारने का काम मिला था। जग्गा 29 साल का उत्तराखंड में रहने वाला एक लड़का था और नौशाद 56 साल का एक मिडिल एज आदमी जो कई सालों से दिल्ली में रह रहा था। जग्गा और नौशाद दोनों पर पहले से कई केसेस दर्ज थे और वो दोनों ही पुलिस की गिरफ्त से फरार एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा बन गए थे। जग्गा एक गरीब परिवार का लड़का था। बड़े होते होते उसकी मुलाकात कुछ गुंडे मवालियों से हो गई और देखते ही देखते उसका झुकाव खालिस्तानी आइडियोलॉजी की तरफ बढ़ने लगा और वो एक कनाडा बेस्ड खालिस्तानी ग्रुप से भी जुड़ गया था। उस पर पहले से ही एक मर्डर केस चल रहा था और इसी के चलते वो 2021 में उत्तराखंड की जेल में बंद था, मगर उसकी बहन की शादी के लिए उसे परोल पर छोड़ा गया। जग्गा कुछ दिन के लिए अपने घर तो आ गया था, मगर वो अभी भी अंडर सुपरविजन था। तब उसने नौशाद को कॉन्टैक्ट किया और दोनों ने मिलकर जग्गा को भगाने का प्लान बनाया। शादी से एक दिन पहले जग्गा के घर में फंक्शन हो रहा था, तब जग्गा ने अपने दो जान पहचान के आदमियों से मदद मांगी। उन्होंने प्लान बनाया कि वो दोनों पुलिस वालों का ध्यान भटका के रखेंगे और मौका लगते ही जग्गा वहां से भाग जाएगा। ठीक वैसा ही हुआ और मौका देखकर जग्गा अपने घर से भाग गया। कुछ दूर जाते ही जग्गा को एक गाड़ी दिखी जो कि नौशाद ने उसके लिए ही भिजवाई थी। उस गाड़ी में बैठकर जग्गा उत्तराखंड से भागकर कश्मीर पहुंच गया। नौशाद भी उस वक्त कश्मीर में ही था। नौशाद पर भी ऑलरेडी दो मर्डर केसेस चल रहे थे और उसके घर से खतरनाक बॉम्ब्स और बारूद मिलने की वजह से वो 10 साल जेल में भी काट कर आया था। उन दोनों को कश्मीर एक स्पेशल मीटिंग के लिए बुलाया गया था। ये मीटिंग थी एक बहुत बड़े टारगेट किलिंग के असाइनमेंट के लिए जो कि भारत के रिपब्लिक डे पर होने वाली थी। नौशाद ने वहां जग्गा को एक खालिस्तान के मिलिटेंट ग्रुप के लीडर से मिलवाया। नौशाद खुद भी एक पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप का पार्ट था। नौशाद का मिलिटेंट ग्रुप खालिस्तान के मिलिटेंट ग्रुप के साथ मिलकर काम कर रहे थे और इस बार वो रिपब्लिक डे में इंडिया के सबसे बड़े हिंदू लीडर को मारकर सभी हिंदुओं में डर पैदा करना चाहते थे। जग्गा ने कुछ महीने कश्मीर में ही अपनी मिलिटेंट ट्रेनिंग कंप्लीट की। नौशाद उसे लेकर अपने घर जहांगीरपुरी आ गया था। वो दोनों अपने साथ दो हैंड ग्रेनेड्स, 3 पिस्टल्स और 22 कार्ट्रिजेस लेकर आए थे। उस एरिया में रह रहे एक लड़के सुनील की नजर जग्गा और नौशाद पर पड़ गई। सुनील कुछ वक्त पहले ही दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल का खबरी बना था। जब से नौशाद जेल से छूटा था, तब से सुनील उस पर अपनी कड़ी नजर रखता था। जब उसने देखा कि नौशाद एक रात दबे पांव लौटा था, वो भी एक अनजान आदमी के साथ, तो सुनील समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सुनील ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को तुरंत ही अपडेट भेज दी और उसे नौशाद और जग्गा की सभी एक्टिविटीज पर नजर रखने को बोला गया। एक दिन जब नौशाद और जग्गा झुग्गी से कुछ ही दूर चाय पीने गए, तब जग्गा ने नोटिस किया कि वो जहां भी जाते सुनील उनके आसपास पहुंच जाता। जग्गा ने ये बात नौशाद को बताई और दोनों कुछ खुसर पुसर करके घर को लौटने लगे। जग्गा ने अपनी जेब से कुछ कागज निकालकर नौशाद को पकड़ा दिया और वो मुड़कर घर से कहीं दूर चला गया। नौशाद अपनी झुग्गी के अंदर गया और 2 मिनट बाद ही बाहर आ गया। उसने झुग्गी बंद की और वो भी उसी तरफ चला गया जहां जग्गा गया था। ये सब सुनील कुछ दूर से देख रहा था। उसे लगा कि उसके लिए अच्छा मौका था पता लगाने का कि आखिर नौशाद क्या कर रहा था। उसने नौशाद की झुग्गी का ताला तोड़ा और अंदर घुस गया।
वो उन दोनों का सामान चेक करने लगा और उसे बिस्तर के नीचे पड़े एक बैग में कुछ हथियार मिल गए। सुनील ने तुरंत उनकी फोटो खींचकर स्पेशल सेल को भेज दी। वो और भी कुछ कर पाता उससे पहले ही उसे आवाज आई कि कोई दरवाजे से अंदर घुस रहा था। उसने पलट कर देखा तो नौशाद और जग्गा हाथ में बड़े बड़े चाकू लिए खड़े थे। उन्होंने सुनील को पकड़ लिया और उस पर कई बार चाकू चलाया। सुनील बुरी तरह घायल हो गया, मगर किसी तरह उसने नौशाद को धक्का दिया और वहां से भाग गया। दौड़ते हुए सुनील ने अपना फोन फेंक दिया। वो दोनों सुनील का पीछा करने लगे और कुछ दूर नाले के पास उन्होंने सुनील को पकड़ लिया। उन दोनों ने मिलकर वहीं सुनील का मर्डर कर दिया और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके वहीं नाले के पास फेंक दिए। वो फोटो मिलने पर स्पेशल सेल ने कई बार सुनील को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, मगर उसका फोन तो सड़क के एक कोने में टूटा पड़ा था। तब स्पेशल सेल के लीड ऑफिसर रवि ने एक टीम असेंबल की और नौशाद और जग्गा को पकड़ने का ऑपरेशन प्लान किया। उसी रात पुलिस ने झुग्गी नंबर 204 को आगे पीछे से घेरना शुरू कर दिया। अंदर से टीवी चलने की बहुत तेज आवाज आ रही थी। लीड ऑफिसर रवि ने अपने टीम मेंबर्स को झुग्गी का गेट तोड़कर अंदर जाने का इशारा किया और टीम के दो मेंबर्स ने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर जाते ही रवि ने देखा कि झुग्गी के अंदर नौशाद और जग्गा बैठे थे, जो कि पुलिस के आते ही इधर उधर दौड़ने लगे। मगर पुलिस ने एरिया को हर तरफ से घेरा हुआ था और इसी वजह से दोनों जल्द ही पकड़े गए। इन्वेस्टिगेशन में दोनों ने रिवील किया कि रिपब्लिक डे पर उन्हें एक बड़े हिंदू लीडर की टारगेट किलिंग का असाइनमेंट दिया गया था। उन्होंने साथ ही सुनील के बारे में भी पुलिस को बताया। जग्गा और नौशाद को UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत बुक किया गया और उन पर सुनील के मर्डर का चार्ज भी लगाया गया। हमारे जाबाज पुलिस ऑफिसर्स ने रिपब्लिक डे पर एक बहुत बड़ा क्राइम होने से बचा लिया, मगर इस तरह के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हर वक्त हमारे देश में डिस्टरबेंसेस क्रिएट करने के प्लान्स बनाते रहते हैं। इन सभी को ट्रैक करना, पकड़ना और हमारी रक्षा करना एक बहुत ही चैलेंजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसे हमारे देश की फोर्सेस बेहद जाबाज और निडर तरीके से निभाती हैं। इस रिपब्लिक डे को हम डेडिकेट करते हैं हमारे देश की सिक्योरिटी फोर्सेस को। क्राइम शो बाय खूनी मंडी की तरफ से उन्हें सलाम और हमारी ऑडियंस को अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे।